चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब, मेरा नाम है कीर्ति। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक के एमसीक्यूज। तो यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू हैं वो सभी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए रहने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो एमसीक्यूज रहेंगे, जो भी लोग ANM की प्रिपरेशन कर रहे हों, GNM, स्टाफ नर्स, BSc वाले, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन हिंदी में भी आपको टाइप किए गए हैं। क्योंकि मेरे पास रिसेंट में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप हिंदी में भी, इवन जो NORCET या फिर जो अदर एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना भी यही है कि हिंदी में भी आप वीडियोस को टाइप कीजिए। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है यहाँ पर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाएँ। यहाँ पर जितने भी MCQs हैं वो प्रीवियसली सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी हुए हैं उनमें आए हुए MCQs हैं। और साथ ही साथ GK के लिए मेरा सेकंड चैनल है GK विद कीर्ति। जनरल नॉलेज रिलेटेड वीडियोस और करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी रिसेंट में ही मेडिकल एंड नर्सेस आपकी ऑफिशियल ऐप लॉन्च कर दी गई है, तो आप लोग उसको भी डायरेक्ट प्ले स्टोर में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पर जाकर आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आपको किसी भी तरीके से उसमें कुछ भी पे नहीं करना है। उसमें प्रीवियस जितने भी पेपर रहेंगे मेरे पास, वो सभी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस स्टेट के या फिर कहाँ के ANM, स्टाफ नर्स, PGI, CHO, कहाँ के आपको कौन से पेपर चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि वो सभी पेपर आपको उस ऐप में प्रोवाइड करवाए जाएँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर भी बताया गया है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज़ द फादर ऑफ पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक के जनक या फिर फादर कौन है। तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसको कहा जाता है, अब्राहम जैकोब। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो क्या होगा, अब्राहम जैकोब। ये क्वेश्चन RRB एग्जाम में आ चुका है कि पीडियाट्रिक और बाल रोग के जनक कौन है, तो वो कौन है, अब्राहम जैकोब। तो हमने नर्सिंग में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आपको मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड जो अदर आपके माइक्रोबायोलॉजी के, तो स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज़्यादा किसने किस चीज़ की खोज की है क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो आप लोग वो एक बार ज़रूर रिवाइज करें जब भी आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएं। ज़रूरी नहीं है कि पीडियाट्रिक का ही पूछें, या तो आपसे माइक्रोबायोलॉजी के फादर पूछे जा सकते हैं, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में अलग अलग तरीके के हम लोग बैक्टीरिया वायरस पढ़ते हैं, उनकी खोज किसने की, वो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वॉर्म चैन मीन्स, तो वॉर्म चैन का मतलब क्या है। ऑप्शन में है ड्राइंग द बेबी, वार्म रिससिटेशन एंड वार्म ट्रांसपोर्टेशन, एस्टाब्लिशिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो वार्म चेन है जो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, डिलीवरी रूम में यूज़ की जाती है वार्म चेन। यहाँ पर ये किसी भी तरीके की चेन नहीं है कि आपको लगे कि लोहे की चेन है या फिर कोई अदर चीज़ की। तो यहाँ पर चेन का मतलब है सिक्वेंस, कौन सी चीज़ें हैं जो ऐसी वार्म चेन में इंक्लूड होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन में ड्राइंग द बेबी मतलब कि बेबी को ड्राई करना, दूसरा है वॉर्म रेससिटेशन एंड वॉर्म ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड है यहाँ पर एस्टेब्लिशिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो वॉर्म चैन होती है जो उसमें 10 स्टेप हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ये देखिए, वार्म चेन है जो क्यों यूज़ किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए वार्म चेन का यूज़ किया जाता है। और इसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है वार्म डिलीवरी रूम मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि लेबर रूम का टेम्परेचर कितना रखा जाता है, लेबर रूम का टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। तो जो वार्म चैन है इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डिलीवरी रूम को गर्म रखना है। दूसरा वार्म रेससिटेशन, इमीडिएट ड्राइंग आफ्टर डिलीवरी के तुरंत बाद बेबी को क्या करना है, ड्राई करना है। एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है। बाथिंग पोस्टपोन, बेबी को कुछ हॉस्पिटल्स के रूल होते हैं कि तुरंत है जो बाथिंग नहीं दी जाती है, बट कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में बेबीज़ को तुरंत बाथिंग दी जाती है, नहलाया जाता है,
बट इंडिया में जो मोस्टली हॉस्पिटल है वहाँ पर 24 आवर के बाद ही बाथ दिया जाता है बेबीज को, तो बाथिंग पोस्टपोन, बेबी को यदि हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है तुरंत बाथ नहीं देना है। अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग, मदर एंड बेबी टुगेदर, मदर और बेबी को साथ में रखना है, सेपरेट नहीं रखना है। प्रोफेशनल अलर्ट एंड वार्म ट्रांसपोर्टेशन, आपको ये सभी चीज़ें मेंटेन करके रखनी है ताकि बेबी को हम हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकें। तो ये क्या हो गया, वार्म चेन। तो जो मोस्टली यहाँ पर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है तो याद रखें, वो लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, मैटरनल अल्फा फीटो प्रोटीन इज इंक्रीज्ड इन, तो मैटरनल अल्फा फीटो प्रोटीन यदि बढ़ा हुआ है तो किस कंडीशन में बढ़ा होगा। मैटरनल मतलब कि मदर का जो टेस्ट होते हैं, मदर के जो ब्लड टेस्ट होंगे, यदि कुछ ब्लड टेस्ट हुए तो उनमें अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो इसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फीटल कार्डियक डिफेक्ट, डायबिटीज या फिर रूबेला। तो जो कंडीशन होती है मैटरनल अल्फा फीटो प्रोटीन, यदि AFP का लेवल बढ़ जाए तो कौन सी कंडीशन होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और यहाँ पर बात जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जा रही है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल यदि बढ़ा हुआ है तो। और एक कैसे हो सकता है, यदि फॉलिक एंड आयरन, जो फॉलिक एसिड की कमी होती है स्टार्टिंग में ही, तो फॉलिक एसिड की कमी के कारण भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन हो सकती है। तो ये दो क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप याद रखें, एक तो है कि अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल बढ़ा है मैटरनल ब्लड सीरम में, दैट मीन्स क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन है बेबी को। और दूसरा है कि फॉलिक एसिड की कमी से ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, तो इसीलिए कंसीव करने के पहले से ही फॉलिक एसिड स्टार्ट करवा दिया जाता है मदर को, ताकि बेबी को NTD से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है, विटामिन के एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ इन न्यूबॉर्न फॉर्म, तो आफ्टर बर्थ के बाद जब अपगार स्कोर चेक कर लिया जाता है, बेबी को ड्राई कर लिया जाता है, उसके बाद बेबी को विटामिन के एडमिनिस्टर किया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है। ऑप्शन में प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इंक्रीज इम्यूनिटी, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग या फिर करेक्ट द कंजनाइटल डिफेक्ट। तो विटामिन के क्यों एडमिनिस्टर किया जाता है बेबीज में आफ्टर बर्थ के बाद, बर्थ के तुरंत बाद बेबी को ड्राई क्लीन करने के बाद, कॉर्ड कटिंग के बाद क्या किया जाता है, विटामिन के दिया जाता है, तो ये क्यों दिया जाता है। तो जो विटामिन के दिया जाता है ताकि बेबी को एक्सेसिव ब्लीडिंग और हेमरेज से प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि बेबीज में खुद का क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं, तो ये जो विटामिन के है ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगा, ताकि बेबी को एक्सेसिव ब्लीडिंग और हेमरेज की कंडीशन ना हो। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए आप लोग, न्यूबॉर्न एट बर्थ आर अनेबल टू प्रोड्यूस एडिक्यूएट अमाउंट ऑफ विटामिन के, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं जन्म के टाइम पर उनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपना खुद का विटामिन के प्रोड्यूस करें, क्योंकि उनके जो बाउल्स होते हैं क्या होते हैं, स्ट्राइल होते हैं, मतलब कि उनमें कुछ भी तरीके से कुछ प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है तुरंत, जब वो कहाँ पर होते हैं, यूट्रस में, मदर के यूट्रस में रहेंगे, तो उस टाइम पर बेबीज़ के जो बाउल है, इंटेस्टाइन है, जहाँ पर मोस्टली विटामिन के का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पर वो नहीं बन पाता, इसीलिए बाहर से दिया जाता है। दैट मीन्स नो बैक्टीरिया एंड डज नॉट प्रोड्यूसिंग आफ्टर बर्थ विटामिन के, सो आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी विटामिन के इज एडमिनिस्टर्ड। तो यदि बेबीज जब वोम में है, यूट्रस में है, तो वो अपने खुद का विटामिन के नहीं बना पाए, इसीलिए आफ्टर बर्थ उसको तुरंत विटामिन के दिया जाता है, ताकि उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग से बचाया जा सके। और फिर 2 से 3 महीने के बाद फिर बेबीज अपना खुद का विटामिन के बनाने लगते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद, बट उनमें तुरंत वो क्षमता नहीं होती, इसीलिए आफ्टर बर्थ बेबीज को विटामिन के एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट इज, इफ़ इन न्यूबॉर्न बेबी अपगार स्कोर 4 to 6, दैट मीन्स यदि किसी नवजात शिशु में अपगार स्कोर का स्कोर 4 से 6 है, तो इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन में सीवियर डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, एक्सीलेंट कंडीशन या फिर नो डिप्रेशन। तो हमने अपगार स्कोर का जो मैक्सिमम स्कोर पढ़ा है वो कितना होता है, 8 to 10 या फिर 7 to 10। तो यदि बेबीज में अपगार स्कोर 4 से 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि बेबी क्या है, मॉडरेट डिप्रेशन की कंडीशन में। देखिए यहाँ पर जो अपगार स्कोर है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी वर्जीनिया अपगार ने। इन्होंने जो अपगार स्कोरिंग सिस्टम बनाया था, तो इसमें 2 तरीके से इसको चेक किया जाता है, एक तो
आफ्टर बर्थ के विद इन 1 मिनट में, और दूसरी बार कब चेक करते हैं 5 मिनट में। तो यहाँ पर जो स्कोरिंग सिस्टम होता है इसमें टोटल 10 तक स्कोर यूज़ किए जाते हैं, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट करके ऐसे 10 तक किया जाता है। यदि बेबी की कंडीशन जो अपगार स्कोरिंग सिस्टम है, एक्टिविटी पल्स ग्राइमेसी अपेरेंस रेस्पिरेशन है 7 से 10 पॉइंट तक में आता है, दैट मीन्स बेबी अच्छी कंडीशन में, एक्सलेंट कंडीशन में है। यदि अपगार स्कोर 0 to 3 आता है, 0 पॉइंट कब दिया जाता है, जब एक्टिविटी एबसेंट हो, पल्स एबसेंट हो, ग्राइमेसी फ्लैसिड हो एंड ब्लू और पेल हो, मतलब कि स्किन का कलर ब्लू या फिर पेल दिख रहा हो और रेस्पिरेशन एबसेंट हो, तब 0 स्कोरिंग दी जाती है। यदि इनमें से कुछ एक प्रेजेंट रहा तो 1 पॉइंट कर दिया जाता है। तो ऐसे सीवियरली डिप्रेस्ड यदि न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको 0 to 3 अपगार पॉइंट दिए जाएंगे, मॉडरेटली है तो 4 to 6, और बेबी गुड कंडीशन में है तो 7 to 10। तो आप लोग अपगार स्कोर की खोज से लेके इसके जो पूरे पॉइंट है विद इन 1 मिनट चेक किया जाता है, 5 मिनट चेक किया जाता है, मॉडरेट किस कंडीशन में रहेगा बेबी, एक्सलेंट किस कंडीशन में, सीवियरली माइल्डली, सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर का पर्यायवाची क्या है, ये आपको आ सकता है। सिनोनिम्स एंड हमने जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मतलब होता है, जो विपरीत अपोजिट वर्ड होते हैं, तो यहाँ पर सेम पूछा है क्लॉटिंग फैक्टर का पर्यायवाची और सिनोनिम्स क्या है। ऑप्शन में क्रिसमस फैक्टर, फाइब्रिनोजन, कैल्शियम या फिर प्रोथ्रोम्बिन। तो क्लॉटिंग फैक्टर का जो सिनोनिम्स और पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर वो क्या है, तो वो है प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सर्वाइकल नर्व्स आर देयर इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो सर्वाइकल नर्व पूछी है यहाँ पर, जो स्पाइनल कॉर्ड में सर्वाइकल नर्व कितनी होती हैं, रीढ़ की हड्डी में कितनी सर्वाइकल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन में 8, 7, 6 या फिर 5। तो जो सर्वाइकल नर्व पूछी हैं स्पाइनल कॉर्ड में कितनी होती हैं टोटल, तो सर्वाइकल नर्व होती हैं टोटल 8। यहाँ पर देखिए 31 पेयर में जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होती हैं, 31 पेयर में होती हैं, 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 1 कोकेजियल नर्व्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं। ईच पेयर कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड विथ अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। तो हर एक पेयर स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग रीजन के लिए अटैच होता है एंड नियर द स्पाइनल कॉर्ड ईच स्पाइनल नर्व ब्रांच इंटू 2 रूट्स। तो स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ तो अटैच होते हैं बट स्पाइनल नर्व की जो ब्रांच है वो दोबारा से 2 रूट में डिवाइड हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको मोस्टली यही याद रखना है कि 31 पेयर में होती हैं टोटल, तो जिसमें से 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 1 कोकेजियल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज द एल्बो इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ज्वाइंट। तो जो एल्बो है किस टाइप का ज्वाइंट है, ऑप्शन में हिंज, पाइवोट, प्लानर या फिर नन ऑफ दी एवर। तो हमने जॉइंट्स के बहुत सारे टाइप पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर पूछा है कि जो एल्बो जॉइंट है किस टाइप का जॉइंट है। तो जो एल्बो जॉइंट है क्या है, हिंज जॉइंट है। देखिए यहाँ पर पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, आई होप आपको ये चार्ट देख के इजीली समझ में आ जाए। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स होता है अलग अलग बेस पर होता है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की बात करें, जॉइंट के स्ट्रक्चर की बात करें हम, तब अलग क्लासिफिकेशन होगा। फंक्शनल की बात करें मतलब मोबिलिटी के बेस पर कि किस तरीके से मोबिलिटी है जॉइंट्स की, तो फंक्शनल में आएगा। रीजनल एंड दूसरा आर्टिकुलेटिंग, आर्टिकुलेटिंग का मतलब है कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, एक बोन्स दूसरी बोन्स को किस तरीके से जोड़ रही है, तो वो आर्टिकुलेटिंग बेस पर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल की, मतलब कि जॉइंट का स्ट्रक्चर। तो फाइब्रस जॉइंट कौन कौन से, सूचर्स रहेंगे, सेंक्रोडोमस रहेंगे और गॉम्फोसिस, ये क्या हैं, सभी फाइब्रस जॉइंट हैं। कार्टिलेजियस जॉइंट कैसे होते हैं, सिंक्रोडिस एंड सिम्फाइसिस, प्यूबिस में जो जॉइंट होते हैं क्या हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का मतलब होता है कि ऐसे जॉइंट जहाँ पर जो एक साइनोवियल फ्लूड प्रेजेंट रहेगा, जो साइनोवियल फ्लूड क्या करेगा, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करेगा जॉइंट्स को, तो क्या है साइनोवियल जॉइंट। कौन कौन से, वॉल एंड सॉकेट, सेलर, कॉन्डिलर, एप्लोसिट, हिंज, पाइवोट एंड प्लानर, तो ये सभी क्या होगा, साइनोवियल जॉइंट। तो यहाँ पर आपको जब मोबिलिटी और फंक्शन स्ट्रक्चरल के बेस पर जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन आता है,
तो इमूवेबल ज्वाइंट ऐसे ज्वाइंट होते हैं जो मूवेबल नहीं होती हैं, जहाँ पर बॉन्स क्या है, ज्वाइंट्स क्या है, दो हड्डियाँ जहाँ पर जुड़ी हुई हैं वहाँ पर किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, इमूवेबल। और दूसरा क्या है, स्लाइटली मूवेबल, मतलब कि थोड़े बहुत मूव होते हैं, और दूसरे हैं फ्रीली मूवेबल, मतलब कि आसानी से मूव हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन है ज्वाइंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ स्वाइन फ्लू, विच ड्रग इज द बेस्ट चॉइस टू ट्रीट स्वाइन फ्लू। यदि कोई नर्स किसी पेशेंट के स्वाइन फ्लू के पेशेंट को ट्रीट कर रही है तो कौन सी मेडिसिन बेस्ट रहती है स्वाइन फ्लू ट्रीटमेंट के लिए। ऑप्शन है एसाइक्लोविर, ओसेल्टामविर, टेमीफ्लू या फिर बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर जो मेडिसिन यूज़ की जाती है, कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जिसको ट्रीट करने के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन भी यूज़ की जाती है, तो स्वाइन फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है, इसको ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ की जाती है, वो क्या है, ओसेल्टामविर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ओसेल्टामविर भी होगा और टेमीफ्लू भी होगा, क्योंकि टेमीफ्लू ब्रांड नेम से मिलती है, ओसेल्टामविर ये केमिकल है, केमिकल नेम है इसका, बट यदि ब्रांड नेम की बात आती है तो टेमीफ्लू। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम मेडिसिन है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि टेमीफ्लू क्या है, ब्रांड नेम है ओसेल्टामविर का। हियर इज द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम यहाँ पर अभी रिवाइज कर लेंगे। तो अम्बिलिकल कॉर्ड की गर्भनाल जिसको हिंदी में कहें, तो उसकी लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन में 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या फिर 38 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अलग अलग जो प्रीटर्म बेबीज हैं, टर्म बेबीज हैं, सभी में अलग अलग लेंथ होती है। यदि हम अप्रोक्सीमेट की बात करें, एक बीच के लेवल की बात करें, तो कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। कितनी होती है, एक्चुअल में 45 to 55 सेंटीमीटर तक हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाएँ तो 45 सेंटीमीटर। यदि आपको एग्जाम में 45 सेंटीमीटर ना आए, 50 आए, तब आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि 45 से 55 सेंटीमीटर तक गर्भनाल और अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ हो सकती है। अम्बिलिकल कॉर्ड को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पर एक बार देख लें। अम्बिलिकल कॉर्ड है जो टोटल 3 वेसल्स से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 आर्टरीज और 1 वेन प्रेजेंट होती हैं। कितनी, यदि आपको एग्जाम में आता है कि बिफोर 3 मंथ ऑफ जेस्टेशन कितनी वेसल्स हैं, तब आपको 4 कहना है, 2 आर्टरी 2 वेन रहेंगी, बट 4 मंथ में क्या होता है, राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाती है, तो एक ही अम्बिलिकल वेन बचती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में टोटल 4 वेसल्स होती हैं एक्चुअल में, बट आपकी जो एक जो राइट अम्बिलिकल वेन है क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है 4 मंथ की एज में, जेस्टेशनल पीरियड जब 4 मंथ रहेगा तो सैंपल डिसअपियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अम्बिलिकल कॉर्ड में टोटल 2 आर्टरीज एंड 1 वेन रहेंगी, यदि 4 मंथ के पहले का पूछते हैं तो बिफोर 4 मंथ, और 4 मंथ में क्या होता है, जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो डिसअपियर हो जाएगी, तो ओनली 1 अम्बिलिकल वेन ही बचेगी। अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है, फ्यूनेस, ये एग्जाम में आ चुका है। और कॉर्ड को कब कट करना है, ये भी आपको आ सकता है, आफ्टर स्टॉप ऑफ कॉर्ड पल्सेशन कॉर्ड शुड बी कट, जब कॉर्ड में पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब आपको कॉर्ड कट करना है, या फिर आफ्टर डिलीवरी के 5 मिनट बाद, डिलीवरी के 5 मिनट बाद आपको कॉर्ड कट करना है। यदि रेंज पूछते हैं तो 2 to 3 मिनट आपको बताना है कि आफ्टर डिलीवरी के 2 से 3 मिनट के अंदर क्या करना है, कॉर्ड को कट। यदि ओनली इस तरीके से आता है कि कितना ड्यूरेशन यूज़ किया जाएगा, तो विद इन 5 मिनट में हमें कॉर्ड को कट करना है, डिलीवरी के 5 मिनट के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है कॉर्ड कटर से। बट 2 जगह क्लैंप भी किया जाता है आपको, ये भी याद रखना है। यहाँ पर ये देखिए कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं कि अर्ली कॉर्ड कटिंग के क्या बेनिफिट हैं और डिले के क्या हैं, मतलब कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों। तो यहाँ पर जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या होंगे, यदि हम डिले कॉर्ड कट करते हैं, 5 मिनट में कॉर्ड कट करते हैं, तो क्या होगा कि जो बेबीज हैं डिले कॉर्ड कटिंग के बाद क्या होगा, हीमोग्लोबिन और आयरन का स्टोर बेबीज कर पाएंगे, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो वेसल्स हैं अम्बिलिकल वेन और आर्टरी, तो इनका जो ब्लड है 80 से 100 ml ब्लड तक की सप्लाई बेबीज में हो जाएगी, तो क्या होगा, बेबी को एनीमिया से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नहीं करना पड़ेगा, बेटर इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये अर्ली कॉर्ड कटिंग के
क्या हो जाएंगे, सॉरी ये डिले कॉर्ड कटिंग के बेनिफिट हो जाएंगे। और जो डिले लेट कॉर्ड कटिंग की जाती है वो किस क्राइटेरिया में की जाती है और अर्ली किस क्राइटेरिया में, तो अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग कब की जाती है, मतलब कि 5 मिनट के पहले ही कॉर्ड कट करना है, तो किस क्राइटेरिया रहेंगे, क्या इंडिकेटिव सिम्टम रहेंगे जब हमें करना है। यदि बेबी प्रीटर्म बेबी हुआ हो, बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में बेबी हो गया हो, तब हमें कॉर्ड को कट करना है किसके लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम द हाइपरवोलेमिया। यदि मदर एचआईवी इन्फेक्टेड हो तो बेबी में एचआईवी ट्रांसमिशन के लिए भी हमें कॉर्ड को कट करना होगा।